यार बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने प्रोड्यूस करी है और बस लुकिंग फॉरवर्ड, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है अभी तक तो, मतलब जिन्होंने देखी है, और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ जाकर। हाँ यार दोनों के, आई थिंक दोनों कमाल के कलाकार हैं, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। यार है बट ठीक है यार, मतलब अभी मैं उस मूड में ही नहीं हूँ, मैं तो फिल्म देख के बस अपना निकल जाऊँगा। यार सोचता तो बड़ा कुछ हूँ, उसके लिए मुझे बड़ा समय चाहिए अभी तो। हाँ ठीक है यार, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो अच्छा है। हो तो बहुत कुछ रहा है देश में, किसी एक चीज़ को मैं नहीं पिक करना चाहूँगा, आई थिंक बहुत सी चीज़ें हम सबको मिलकर इम्प्रूव करनी, किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई लव द ट्रेलर एंड आई जस्ट कांट वेट टू वॉच द फिल्म। बहुत ही सही लगा यार, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग ट्रेलर्स ऑफ दिस ईयर एंड तभी आई थिंक जब मैंने ट्रेलर देखा था तभी आई वॉज सो एक्साइटेड, आई थिंक आई वॉच द ट्रेलर फॉर टू थ्री टाइम्स एंड देन उसके बाद मैंने बोला आई नीड टू वॉच दिस फिल्म, सो आई कांट वेट टू सी इट। दोनों like both are so amazing, I love Kangna, I love Rajkumar, so let's see what they've done. abhi maine shoot khatam ki hai angrezi medium ke and with the fan sir and Kareena ma'am, so it was really nice, it was so the experience was really amazing and I just can't wait to show you guys how it has come out and you know I'm really excited for it. यार मैं मूवी देख रहा हूँ फिर उसके बाद ये सब कर लेंगे, मूवी के बारे में पूछ लेना। हाँ जी एंड रियली नीड टू रश, मेरी मिस होने वाली है, बस आके तेरे साथ मैं प्राइवेट इंटरव्यू कर लिया। Yeah.
I'm very excited because I'm also in it. So it's gonna be fun. I mean, I hope you guys like the trailer. And yeah, I mean, it's gonna be a nice little mystery. Few days, it's day after. Oh, thank you. Good. I don't know. I feel good. I'm reading that it's gonna open well, so I'm hoping for that. And I guess this film's really gonna work on word of mouth as well, because I feel like if the audience enjoys it, then I mean, who wouldn't want to watch it, right? Okay, after a very long time, Raj and yeah, it's coming after a long time. So yeah. How I mean, I think this time, because they're not paired with each other, they're actually Kangana versus Raj. So I feel like it's going to be even more exciting, because you've got two brilliant actors, and when that happens, it's just, it's going to be phenomenal. Dono ke yaar, how can you ask me to choose? Okay, apart from this, you're again working with Raj made in China. Yeah. Definitely. I mean, he's one of our best actors. I think you guys also know that. So I think this one, I'm actually playing his love interest, and there I'm not. So there's no sort of romance in that movie. So it's even better, because here you get to like explore two different things, you know. Mom, yeah, I have heard about it. I have been following it. I mean, I would definitely love to join them. I'm not very good at politics, but I have been following the mob lynching. And I mean, in a country where our population is so big, where there's so many people, we can't have this keep, like, you know, happening, and it can't go on like this. And you can't use religion as a way to defend it, for sure. Thank you. I'm there.
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत ही बेहतरीन टीम जुड़ी हुई है इस फिल्म के साथ. बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, एक्टर सारे बहुत अच्छी राइटर हैं. कनिका बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, मेरी प्रोड्यूसर एकता कपूर. एंड इट लुक्स लाइक अ रियली नाइस एंड एक्साइटिंग न्यू समथिंग न्यू इन द ट्रेलर. तो मैं बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए. आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्म होगी. मतलब मुझे लगता है दोनों कंगना और राज कुमार दोनों बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं. तो आई थिंक कि इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स दोनों साथ में जब आए स्क्रीन पे तो बहुत ही अच्छी फिल्म होगी. ऑडियंस का ही विन विन सिचुएशन है ऑडियंस के लिए. सो हाँ, और दो तीन ऐड कर दो इस क्वेश्चन में, दो तीन और सब पार्ट्स ऐड कर दो. बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी और सराहनीय चीज़ है कि जो हमारे देश में जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, वो हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इन्वॉल्व्ड हैं और इफ़ेक्टेड हैं उससे. मॉब लिंचिंग के बारे में मैंने, मतलब मैं पिछले 3-4 साल से इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ. मैंने 1-2 साल पहले मानव सुरक्षा कानून की मांग भी करी थी, एक लॉ बने मॉब लिंचिंग के खिलाफ. दुख की बात है कि इन 3 सालों में जो स्थिति है वो बेहतर होने के बजाय और बुरी हुई है. तो आई थिंक बहुत ही कमेंडेबल है और अच्छी बात है, सराहनीय है कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं और जो राइटर्स हैं, प्लेराइट्स हैं और आर्टिस्ट हैं जो आए हैं साथ में और जिन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी है, वो एक अच्छी बात है. और हमें, मुझे आई होप कि जो सरकार है और जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चिट्ठी की तरफ ध्यान दें. देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन ज़रूरी है कि प्रशासन मॉब लिंचिंग, जो कि हमारे समाज में आज की डेट में एक एपिडेमिक बन गया है, मुझे नहीं लगता कि हम इससे अपना मुंह मोड़ सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है कि हम इस चीज़ को झुठलाने की कोशिश करें कि नहीं ये नहीं हो रहा है. ये हो रहा है, ये हमारे समाज में हो रहा है, हमारे बीच में हो रहा है और ये हम सब पर है. सो आई थिंक दैट बहुत ज़रूरी है कि हर राज्य की प्रशासन और हर शहर जहाँ ऐसी ये जो घिनौनी चीज़ हो रही है उस शहर की प्रशासन और अकाउंटेबल रहे. और जो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हमारे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं हमारे देश के, एंड बिल्कुल आई होप कि वो इस मुद्दे पे और ध्यान देंगे. हाँ, मुझे भूलने मत देना वो. इसके लिए सो वॉट अगर उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हों भी. पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होना कोई बुरी बात नहीं है. हम एक लोकतंत्र हैं और यहाँ लोकतंत्र में हर किस्म की विचारधारा होती है, हर किस्म की राजनीतिक इंक्लिनेशन होती है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होती है. मॉब लिंचिंग गलत है, उसके खिलाफ अगर लोग आवाज़ उठा रहे हो, चाहे जो भी उसके पीछे उनकी विचारधारा हो, इंक्लिनेशन हो, मेरे हिसाब से अच्छी बात है. जो चीज़ गलत है वो गलत है, उस पर हमें और ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एक्चुअली होल हार्टेडली 100% सपोर्ट दी ऑल दी आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स एंड पीपल हु हैव कम एंड रिटन दिस लेटर. वेल, मेरी 2 वेब सीरीज़ आ रही हैं इस साल, जो कि एक का नाम है रस भरी, दूसरी का नाम है फ्लैश. और नवंबर से मेरी फिल्म भी जा रही है फ्लोर्स पे. मैं एक फिल्म प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी, इसलिए इतनी नहीं दिखती आपको, मैं काम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ. क्यों, मतलब स्क्रीन पे बुरी लग रही हूँ आपको मैं? नहीं, एक काम ठीक से कर पाऊँ वही काफ़ी है. तो जब मैं अपनी यहाँ दुकान बंद करूँगी उसके बाद ही आप मुझे कहीं और देख पाएंगे. फिलहाल ऐसी कोई भी मंशा नहीं है मेरी, लेकिन मुझे लगता है आप लोग जल्दी मुझे निकालना चाहते हैं. थैंक यू. अरे बाप रे,
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.